जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपने सिखाऊंगी कान्हा जी की ऊन से पगड़ी बनानी। तो चार नंबर के कान्हा जी की मैं पगड़ी बनाऊंगी ऊन से, और इसके लिए मैंने क्या करा है, 40 चैन बनाई हैं, और 40 चैन बनाकर 3 चैन और आगे बनाकर, और वो 3 चैन 40वीं चैन पर जोड़ दी। जो 40वीं चैन थी उस 40वीं पर 3 चैन जोड़ दी, और ये जो 40 चैन है इन पर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी हर एक चैन में एक बार। तो ये जो पूरी चैन है इसमें मैं सब में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, और 40 चैन है तो 40 बार बनेंगे। तो ये मैंने एक लाइन बना ली हरे रंग की ऊन पे, ई भी इसमें मैं लगाऊंगी सफेद रंग की ऊन, दूसरी लाइन जो है वो सफेद रंग की ऊन बनाऊंगी, और वो भी इसी तरीके से बनाऊंगी। 40 है ये डबल क्रोशिया, तो इनके ऊपर 40 से बनाऊंगी हर एक चैन में एक बार। तो सफेद रंग की भी मैं एक लाइन बना लूंगी पूरी, इतनी जितनी यह है लंबी, 40 चैन की लंबी है, तो 40 चैन की मैं बनाऊंगी। सफ़ेद रंग जोड़ लिया, दो चैन बनाई, और यो जो सफ़ेद रंग का जो यो धागा है इसकी गांठ लगाने की बजाय इसके साथ इसकी बुनाई कर दो इनमें, तो ये उधड़ेगा नहीं और गांठ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से इसकी बुनाई कर दो, इसने इसको चैन के साथ ही अंदर ले लो, और ये इसमें आ जाएगा, और ये उधड़ेगा नहीं फिर यो। तो ये देखो मैंने एक सफ़ेद की और सफ़ेद के ऊपर एक हरी, तीन लाइन बना ली 40 चैन की। तो ये भी फोल्ड क्यों करना है वो आप देखो। तो ये ऊपर सिर पर था हमने जो करांगे इसने फोल्ड, ऊपर जो सिर पे मुड़ेगा यो इस तरीके से बोड़ना है, और इस पर हमने सुई तक सिलाई करनी है इसकी, क्रोशिया तो नहीं होगी सुई तो होगी, दोनों सिरे ऊपर आके इसके ऊपर पलटने हैं, और यो जो है यो सिर का नाप के साथ तो मुड़ना है। तो सबसे पहले सुई धागा ले लिया मैंने, और उल्टा सीधा का ध्यान रखना है, जो उल्टा है वो भीतर आऊगा, जो सीधा है वो बाहर आऊगा, तो यो सीधा है। तो इस तरीके से फोल्ड कर लो इसने, ये जैसे पगड़ी की शेप हुआ है उस शेप में फोल्ड करो इसने, और यो जो चक्कर है यो सिर की जो चौड़ाई है जिस नंबर के आप कान्हा जी के बना रहे हो उसकी चौड़ाई के हिसाब से इसने आप गोलाई रखो, बाकी ने ऊपर फोल्ड कर दो। मैं इसने सुई तो सीम दूंगी, चार नंबर के कान्हा जी की मैंने 40 ली है, तो उसके हिसाब से आप बड़ा छोटा बनाओ तो वे 40 में कम ज़्यादा कर लो, छोटा बनाना तो कम कर लो, और बड़ा बनाना है तो 40 में ज़्यादा चैन ले लो। ये हरे रंग का धागा डाल रखे है, और हरे रंग पे ही मैं इसकी सिलाई करूँगी, सफ़ेद पे धागा नहीं दिखने दूंगी। और जिस शेप में मैंने ये मोड़ रखे है उस शेप है मैं न्यू की न्यू इसकी सिलाई कर दूंगी। ये भी इसका जो दूसरा सिरा है इसके साथ ही इसने भी लगा लो ऊपर तक फोल्ड करके, और इसकी भी इसके साथ साथ में सिलाई हो जाएगी, ये ऊपर तक पूरा बंद हो जाएगा जैसे पगड़ी हुआ अगर बंद उस शेप में, और इसकी ढीले ढीले हाथ सिलाई कर दो पगड़ी की शेप में, न्यू की न्यू इसकी ढीला हाथ सिलाई करोगे तो आपने पगड़ी जैसी बनी होया करें उसी तरीके तो बनी हुई दिखेगी।
और इसकी इसने ऊपर तक सारत है सीम दो ये धागा नहीं काटना, धागा इसमें छोड़ना है। ये देखो ये पगड़ी की शेप में सही सिंगी जैसे पगड़ी होया करे। ढीले ढीले से और ईव इसके ऊपर आप कोई भी डिजाइन ऊन से बना कर लगा दो। तो मैंने फूल बनाई है, यो एक गुलाब का जो फूल होया करे उसकी शेप में फूल बनाया है। और यो फूल बनाना मैंने अपनी पिछली वीडियो में बिल्कुल आराम से दिखा रखा है, आप उसमें देख सको हो किस तरह बनाना है, जो कि आपकी स्क्रीन पे फिलहाल चल रहे हैं उसका लिंक, आप उसने देख सको फूल किस तरह बनाना है। और ये फूल की जो नीचे की पत्ती है ये मैंने तिरछा खड़ा करके और ये नीचे की जो पत्ती है उन पे सिलाई लगा दी, ये अच्छी तरह इसमें अटैच हो गया ना, यो इलगा ना यो ये सरकेगा, एकदम फूल अच्छी शेप में एकदम खड़ा हो गया और बहुत बढ़िया राड़ी इसके साथ ही वो जुड़ गया। एक धागा काट दो, ये देखो कान्हा जी की पगड़ी बन गई, पीछे तो भी बिल्कुल सारी की सारी ढकी हुई है और ये आगे मैंने फूल लगा रखे हैं इसमें। देखो ये इस फूल के बीच में मैं एक मोती लगा दूंगी सफेद रंग का, जिससे ये और भी अच्छा दिखेगा इसके बीच में। तो ये मैंने इसकी मैचिंग की ड्रेस भी बना रखी है, ये पगड़ी बना दी, इसके बीच में देखो ये मोती भी लगा दिया और ये इसकी मैचिंग की ड्रेस और ये पगड़ी। और देखो पगड़ी कितनी अच्छी बनी है, ये ड्रेस